हेलो दोस्तों, दोस्तों कैसे हो आप सब। आज की जो वैकेंसी है, जो आपने स्क्रीन पे देखा ही है कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है दोस्तों, ये जो है ये 3 सितंबर को ही आई है, मतलब आज ही आई है। इसकी लास्ट डेट रहने वाली है 23 सितंबर। दोस्तों टोटल जो है 1901 वैकेंसी आउट हुई है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, 1900 प्लस वैकेंसी है, और गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल सभी वैकेंसी के लिए ये एलिजिबिलिटी है। प्लस इसमें डिप्लोमा, बीटेक और एनी ग्रेजुएट वाले भी एलिजिबल हैं। अगर पर्टिकुलर हर एक ब्रांच को बायोफिकेट करके मैं बताऊं, सभी के बारे में बात करेंगे, आप देखेंगे ये जो सबसे पहली वैकेंसी है एग्रीकल्चर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में इन्होंने क्या मांगा है, डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल ऑब्लिक मैकेनिकल ऑटोमोबाइल रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE। टोटल वैकेंसी मिला के 15 वैकेंसी हो रही है। ऐसे ही केमिकल इंजीनियरिंग के लिए केमिकल चाहिए डिप्लोमा में, और इसके साथ साथ सिविल इंजीनियरिंग के लिए सिविल डिप्लोमा चाहिए, 25 वैकेंसी है। इसी के साथ CSIT BSc चाहिए, या फिर आपने डिप्लोमा कर रखा हो कहीं से भी, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस या फिर IT या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन से, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग चाहिए, और 17 वैकेंसी इसके लिए आ रही है। और CSIT वालों के लिए 167 वैकेंसी है। दोस्तों अगर नेक्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए टोटल 68 वैकेंसी है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए टोटल 31 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 192 वैकेंसी है। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए इन्होंने क्या मांगा है, डिप्लोमा ही मांगा है, 17 वैकेंसी है। लाइब्रेरी साइंस के लिए डिग्री इन साइंस विद मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस, जी हाँ डिग्री इन साइंस 23 चाहिए। और ऐसे ही मैकेनिकल वालों के लिए अलग से वैकेंसी आई है, मैकेनिकल वालों के लिए 294 है। ऐसे ही मेटलर्जी के लिए भी इन्हें डिप्लोमा इन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE, और ये 21 वैकेंसी चाहिए। और ऑलरेडी आप देखेंगे मेडिकल लैब टेस्टिंग। अब नेक्स्ट जो आप देखेंगे फोटोग्राफी के बाद फिजिक्स के बाद प्रिंटिंग, बायोटेक्नोलॉजी और जूलॉजी। दोस्तों इन्होंने ये सारी वैकेंसी थी अभी तक जो डिप्लोमा वाले या फिर एनी ग्रेजुएट वाले या फिर आप डिग्री वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज वेल एज आप देखेंगे इन्होंने जो दिया है ऑटोमोबाइल के लिए बुक कारपेंटर, ये जो 10th पास वालों के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई हुई है। अब 10th पास वाले कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, जैसे बुक बाइंडर हो गया, कारपेंटर हो गया, ये सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, और उनमें कुछ भी नहीं मांगा है, तो आपने ITI कर रखा है, 10th ITI, डिप्लोमा या बीटेक, आप चारों ही एलिजिबल हैं। हर एक वैकेंसी में पर्टिकुलर जो ITI और 10th वालों के लिए आई है उनके लिए अलग एलिजिबिलिटी है, और डिप्लोमा और बीटेक वालों के लिए एलिजिबिलिटी है। दोस्तों इन्होंने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दिया है, ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशन विल बी डिटरमाइंड विद प्रेफरेंस ऑफ क्रूएल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी एज मेंशन्ड इन द एडवर्टीजमेंट। इसके साथ कैंडिडेट मस्ट हैव सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इंडियन गवर्नमेंट रूल के हिसाब से होना चाहिए। इसके साथ साथ इन्होंने कुछ मेडिकल फिटनेस टर्म्स एंड कंडीशन भी दिए हैं, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट में हमें फॉलो करना है, जो ये पूरा का पूरा एज ऑन क्रूएल एलिजिबिलिटी डेट। इसके साथ साथ मेडिकल फिटनेस कंडीशन भी दी है, और NOC भी आपको सबमिट करनी है। अगर आप PSU वगैरह में काम कर रहे हैं या किसी प्राइवेट सेक्टर में ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ सबमिट करना है। एज रिलैक्सेशन भी इन्होंने दिया है। एग्जामिनेशन सेंटर भी इन्होंने बताए हैं, एग्जामिनेशन सेंटर आगरा, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोयम्बतूर, देहरादून, दिल्ली NCR, गोरखपुर, गुवाहाटी, ग्वालियर, हैदराबाद, इम्फाल, ईटानगर, जबलपुर, जयपुर, जम्मू, जोधपुर, कानपुर, कोच्चि, कोलकाता, लेह, मुंबई, नासिक, बालाजी, पटना, पोर्ट। इनडायरेक्टली ऑल इंडिया के सभी जगह पे यहाँ एलिजिबल है, और एग्जामिनेशन सेंटर भी है। इसके साथ साथ रिजेक्शन क्राइटेरिया जो दिया है, रिजेक्शन क्राइटेरिया भी इन्होंने मेंशन कर दिया है, यहाँ पे रिजेक्शन क्राइटेरिया देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो आप देखेंगे इन्होंने एप्लीकेशन फॉर मल्टीपल पोस्ट, दोस्तों इसके लिए जो इन्होंने फीस रखी है ये इसके बारे में भी बात करेंगे, और अप्लाई करने का तरीका भी मैं बताऊँगा आपका। 3rd सितंबर मतलब अभी जब है आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, लिंक जो है मेरी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, डायरेक्ट लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और ये वैकेंसी बहुत अच्छी है, इसमें 1901 वैकेंसी है, तो अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, एप्लीकेशन फ़ीस इन्होंने रखी है नॉन ट्रांसफॉर्मेबल
एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़, ओनली 100 रुपीज़ रखी है। और एस सी एस टी वालों के लिए जो ये कैंडिडेट आर पेमेंट एग्जामिनेशन और मीडिया अब वेबसाइट डाउनलोड और एडमिट कार्ड दोस्तों उनके लिए फ्री है। तो किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा फीस भी नहीं है, तो आप हर बंदा अप्लाई कर सकता है। तो इसमें आपको सिलेक्शन प्रोसेस भी दिया है, फॉर पोस्ट एस टी ए बी द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट टायर वन स्क्रीनिंग एज पर सी बी टी, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर आपका रहेगा, यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे ही ये दूसरे वाला भी सी बी टी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन रहेगा। एग्जामिनेशन पैटर्न भी बता दिए हैं, एग्जामिनेशन के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे और टेस्ट स्पेसिफिक पोस्ट कोड, जो भी आपका पोस्ट कोड है उसके बिहाफ पे वैकेंसी निकली है। अब ये नेक्स्ट जो है सीबीटी प्रोफेशनल, ये 120 मार्क्स का भी होने वाला है। 10th एलिजिबिलिटी क्या है, 10th ITI डिप्लोमा और बीटेक सभी एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस ये पूरा मेंशन कर दिया है। PWD कैटेगरी के लिए क्या क्या होना चाहिए वो भी इन्होंने मेंशन कर दिया है। तो आप इसे एक बार अप्लाई करने से पहले देख लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम होती है मेरे को कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा, मैं आपको जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगा। इन्होंने कुछ कोर्ट ऑफ जुडिशियल भी इन्होंने मेंशन किए हैं, बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये दोस्तों ये थी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़, पूरा का पूरा मैंने आपको कैप्टन के बारे में पढ़ के सुना दिया है। ये आया है DRDO की तरफ से। अब कैप्टन की फुल फॉर्म क्या है, सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट कैप्टन, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, पूरा अप्लाई कर दीजिएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। तो लिंक आपको सब डिस्क्रिप्शन में या टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।